नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आनंद विहार से चलकर भागलपुर जाने वाली 12368 डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन का बेलोरो से टक्कर हुआ है। और इस हादसे में जो बेलोरो सवार लोग थे वो बाल बाल बच गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है। अपने निर्धारित समय से जो विक्रमशिला ट्रेन थी वो चल रही थी, और इसी दौरान जब ट्रेन क्यूल से खुली तो ट्रेन को कजरा स्टेशन जाना था। कजरा स्टेशन पर उसका अगला स्टॉपेज था, लेकिन इसी दौरान दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग के समीप ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कितनी ज़बरदस्त ये टक्कर हुई होगी, और जो बेलोरो है उसके परकच्चे यहाँ पर उड़ गए हैं। आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि बेलोरो पर सवार जितने भी लोग थे वो समय रहते बेलोरो से बाहर आ गए थे, जिसके चलते जो एक बड़ा हादसा होना था वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। जो बेलोरो के जो सामान हैं वो अगल बगल यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। आपको बता दें कि अपने निर्धारित समय से जो विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन थी वो चल रही थी, और इसी दौरान दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन जब क्रॉस कर रही थी तो इसी दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि डाउन रेलवे ट्रैक पर ये टक्कर हुई है, जिसके बाद जो बेलोरो है, क्षतिग्रस्त बेलोरो, वो अप रेलवे ट्रैक पर आ गई, जिसके चलते अप रेलवे ट्रैक जो है वो पिछले 1.5 घंटे से बाधित है। भागलपुर क्यूल रेलखंड जो है वो पिछले 1 घंटे से अप रेलवे लाइन बाधित है। जब इसकी सूचना स्थानीय रेल प्रशासन को मिली तो स्थानीय जो रेल प्रशासन की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है, और जो क्षतिग्रस्त बेलोरो है उसको रेल पटरी से हटाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये ज़बरदस्त टक्कर है। आपको बता दें कि ये जो दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, और अभी तक रेल प्रशासन की तरफ से कोई ठोस उपाय यहाँ पर नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं तो यहाँ पर रेलवे फाटक का निर्माण करवाना अति आवश्यक है, जिसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें उसे रोका जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होते रहती है। आप तस्वीर देख सकते हैं, और आपको बता दें कि जो क्षतिग्रस्त बेलोरो है उसको पटरी से हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है, और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के जरिए वो जो क्षतिग्रस्त बेलोरो है उसको यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय जो रेल प्रशासन की टीम है वो घटनास्थल पर मौजूद है, और जो बड़ी अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं, और देखना है कि कब तक इस रेलखंड पर परिचालन शुरू हो पाता है। लेकिन जो स्थानीय जो टीम है उसका कहना है कि जैसे ही बेलोरो यहाँ से हटेगी, क्षतिग्रस्त बेलोरो, उसके बाद जो है क्यूल जमालपुर रेलखंड के अप लाइन पर जो है वो परिचालन